हाय गाइस नमस्कार, आप सभी लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि गांव के रास्ते कैसे होते हैं, तो चलिएगा इस पूरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गांव के रास्ते होते हैं कैसे होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं उन गांव के रास्ते भी दिखाएंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो कट बिल्कुल मत करिएगा। फिर आप शहर से हैं तो आपको बिल्कुल अंदाजा लगेगा कि भाई गाँव का जो जिंदगी है किस तरीके से होती है। चलिएगा वीडियो शुरू करता है और पूरा वीडियो देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देख लीजिए फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना भाई, इसके बाद शेयर भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं भाई। देखिए अभी मैं चला हूँ, नांदेमऊ गांव है, नांदेमऊ गांव से शिवरामऊ के लिए निकला हूँ। तो एक लोगों से जब पूछा है कि मुझे शिवरामऊ जाना है, तो उन्होंने हमको गाँव वाली रास्ता बता दी। यार मैं भी गाँव वाली रास्ताओं से चल लिया हूँ और आप देख सकते हैं एकदम से पतली सी रास्ता है और हालांकि डामर है, और देखते हैं ये हमको कहां तक ले जाती है और कैसा रास्ता आगे मिलेगा देखने को। और यहां पर कुछ लोग हैं खेत पे काम करते हुए, चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं एक बार। चलिएगा भाई, ये देखिए दो लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों से रास्ता पूछा। रास्ता यार वास्तव में बहुत कट है भाई, एकदम से वाकई तो मज़ा बहुत आ रहा, अच्छा बहुत लग रहा है। हरे भरे वृक्ष और धान की फसल, और ये देखिएगा आलू वगैरह की फसल यहाँ दिख रही है, और ये खेत दिख रहे हैं सामने आप। इस खेत में आलू काफ़ी बड़ा बड़ा है यार एकदम से, और रास्ते मिल गए। लो भैया गांव में मिल गया कच्चा वाला रास्ता। ये देखो यार यहाँ पर बारिश वारिश हो जाए तो ना निकलेगा हमारा स्कूटर। क्या कहते हो भाई, आप लोग बताओ यार कब कब ऐसी रास्ताओं पर गए हैं। हमारा तो काम है इन रास्ताओं पर भटकना, तो देखो भटक रहा हूँ यार। तब भी यार आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, ना ही भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। भाई कर दो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हो गुरुदेव, आपको बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। और शेयर करना तो कमेंट में जरूर बताना कि मैंने शेयर किया, ठीक है। जाओ भाई करो यार, देखो यार कितना अच्छी लग रहा, कच्चा रास्ता मिलता है यार, रात रात में कैसे निकला जाता है यहाँ से, एकदम से देख रहे जंगली जंगल है कहीं, आप आसपास आपको घर गांव नहीं दिख रहे कहीं। चलिएगा एक और रोड मिल गया हमको, ये देखिए अब मिल गया है डामर रोड। और ये जा रहे लकड़ी वाले भैया, क्या किए भाई ये लकड़ी बीन के जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। चलिएगा अब मिल गया एक अच्छा सा रोड, लगा लेते हैं स्कूटर, देखो स्कूटर की स्पीड भगाता हूँ स्कूटर को स्पीड से। चलो भैया भाग लो, घर पहुंचेंगे जल्दी तो भगाएंगे तभी। या तो मैं पेट्रोल फूंक रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं चल रहा मुझे, मैं जा कहाँ रहा हूँ। कौन सा गाँव अभी है ये है? रामपुर। ये भैया तो रामपुर गांव आ गए यार, हमें चलते हैं रामपुर से आगे। यार मेरी आँख में कुछ चला गया, बहुत कला रही है, लगा मिर्चा ही लगा। तो ये आ गई भैया गांव में भी आती है सरकारी स्कूल की बस सरकारी, और इस गांव में मिल गया है एक मंदिर देखने के लिए। क्या फ्रेंड्स इधर हमने जो देखा है यार बहुत ज़्यादा एकदम से एक क्या कहते हैं जंगल टाइप का बहुत देखने मिलता है। रास्ता है बड़ा वीरान है एकदम से, कुछ कहा नहीं जा सकता यार कि ये कौन सी रास्ता कहाँ जाएगी। अब भाई दिन में तो निकला जाता हूँ लेकिन रात आ तो हालत यार है तो मेरा ग्रेजन पद, लेकिन मैं देखिए कौन सा गाँव है ये पता नहीं चला यार, नहीं लिखा बिल्कुल गाँव में मिल जाती है देखिए। तो भाई रास्ता फिर से हमने पूछा, एक भैया खड़े हुए हैं, इनसे रास्ता पूछा है कि हमको शिवरामऊ जाना है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गलियों के रास्ता हैं गांव की रास्ते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं गांव की रास्ताएं कैसी होती हैं। मान लो मैं भटक रहा हूँ इस तरीके से। भैया आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। ये प्रदीप भैया कौन सा गाँव है भैया? नंदपुर। नंदपुर कहाँ पर? ये सामने गाँव है ये वाला, देखिए ये पेड़ पौधे खड़े हैं, इसके पीछे गाँव है नंदपुर जहाँ बकरियाँ चल रही हैं। ये प्यारे से भैया हैं, भैया हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लोगों को दिखा रहे हैं कि रास्ताएं कैसी होती हैं गांव में। सही है, ठीक है।
तो चलिएगा भाई, भैया ने बता दिया हमको छिवरा में जाने के लिए शॉर्टकट, अब मैं उसको ढूंढते हुए चलता हूँ। ये मिल गए भैया, तू ही तो उड़ता हुआ देखो चला गया यार। रास्ता कितना, रास्ते भर जिधर से भी निकल के आए हैं पूरा डेंजर रास्ता ही मिला यार एकदम से, कहीं पर भी साफ सुथरा रास्ता देखने को नहीं मिला। हाँ ये रोड एक रोड चल रहा है, कई गांव अटैच लग रहे हैं इधर, छोटे छोटे गांव। कहाँ चला गया नदी यार, लोग कहते हैं नदी मिलेगी नदी मिलेगी, मिल रही नदी यार, जंगली जंगल मिल रहा है यार, डर बहुत लग रहा है, इतना खतरनाक जंगल लग रहा है यार, कहीं जम्मू कश्मीर में आ गए क्या। बिल्कुल यार एकदम से सीने तो प्यारी प्यारी ऐसी लग रही हैं कि जैसे यार कहीं पहाड़ी इलाके में चल रहे हो यार, बहुत ही यार ब्यूटीफुल यार एकदम से भाई, क्या बताएं यार मजा आ गया यार। लेकिन हाँ बस है कन्नौज में ही यार, बस इतना सुकून है कि कन्नौज में भाई ने डर के मारे राड़ा। ओ मिल गया भाई, ये देखो ये है भाई ईस्ट नदी का पुल, एक तरफ क्रॉस करेंगे तालिग्राम शिवरामू, पीछे इंद्रगढ़ सौरिक छोड़ के आ गया हूँ भाई। ठीक है अब चलता हूँ इधर और पूछूंगा आगे किसी से फिर रास्ता शिवरामू के लिए। यार सच्ची बताओ आप लोग की रोड कैसा था, रास्ता कैसा है यार, डर के मारे मेरी चुंगी ढीली हो गई, पोटी आ गई यार, पता पेट खोल गया, अब कहीं जगह मिले तो पोटी करेंगे पहले फिर चलेंगे यार। यार रास्ता 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 बहुत दूर आ गए यार एकदम। चलिएगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताना फाइनली आपको ये वाला रास्ता कैसा लगा, हमने आपको दिखाया कि गांव में रास्ते कैसे होते हैं, बहुत मजा आया यार एकदम से। अभी भी देख लो यार जंगल पूरा कहेंगे जंगल, देखो कहीं से बिहार जगह से भयानक से रास्ता दिखता है यार, इधर देखिए सुनसान दिखता है, पीछे नदी हम छोड़ के आए हैं और सामने है छिवरामू तालिग्राम मार्ग। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर भाई प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिएगा फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।